हेलो अस्सलामु अलैकुम लाशारी साहब, वंस अगेन आप लोगों के सामने विद अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ योर फेवरेट प्रोग्राम, जो कि ऑफ कोर्स आपका फेवरेट प्रोग्राम है, सबका ही है वैसे तो, करोड़ों लोग हैं फैन हमारे। लाशारी साहब एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर। आज थोड़ा सा कैजुअल मूड में है, उसकी कुछ रीज़न भी है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट कुछ रीज़न, बिकॉज लाशारी साहब हर वक्त ड्रेस्ड अप नहीं होते। कभी कभी आपको इस लाउंज में लाशारी साहब मिलेंगे शॉर्ट्स में, कभी आपको मिलेंगे वो अपने स्लीपिंग सूट में, एंड कभी वो आपको मिलेंगे एक बेहतरीन से मे बी शेरवानी में। मे बी लाशारी साहब का दिल करे शादी वादी करवाने का तो, लेकिन यार मैं इन चीज़ों से बहुत दूर हूँ। एनीवेज जी, आप लोग इस शो को देखते हैं, इस शो को अप्रिशिएट करते हैं, एंड K2 टेलीविज़न हमेशा की तरह आज के इस शो में मेरे लाउंज में आए हैं। एंड चेक दिस आउट मैन, सच ए कूल थिंग। ये मैंने ख़रीदा था जी, ये कुछ अर्सा पहले आई बॉट इट, मैंने इसको ख़रीदा था, एंड इसके ऊपर मैं ऑस्ट्रेलिया गया था। हाँ, ऑस्ट्रेलिया, या बाय रोड बाइक पे ऑस्ट्रेलिया गया था, आपको मानना ही पड़ेगा। और खैर चेक करा देते हैं आपको। वेल इसका वज़न मेरे से शायद 1-2 किलो ज़्यादा ही होगा, बिकॉज लाशारी जो है वो मस्कुलर है काफ़ी, और ये भी लाशारी की तरह काफ़ी ब्रॉड सा है, एंड मैं इस पे बैठने की मैं कोशिश करता हूँ। हाँ जी, ठीक लग रही है लुक, बाइक ठीक लग रहा है, बिकॉज लाशारी साहब जब इस बाइक पे सवार हैं तो जाहिर है बाइक थोड़ा सा ख़तरे में है कि बाइक अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। लाशारी साहब तो लग ही रहे हैं अच्छे। एनीवेज जी, बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये बाइक है, काफ़ी हैवी लुक है इसकी, एंड इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास, सिर्फ ये नहीं है, बहुत सारी और चीज़ें हैं मेरे पास, वो मैं आपको कभी किसी और शो में ज़रूर दिखाऊंगा, अपने गैराज की सैर करवाऊंगा, एंड उसमें क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। यार इसको सही से साफ नहीं किया तुम लोगों ने, वैसे इसको सही से साफ नहीं किया, पता नहीं किन सस्ते सस्ते लिक्विड से साफ करते हो यार, वो ग्लॉस इसकी क्यों नहीं आ रही है। हाँ एनीवेज चलें, ये तो मैं बाद में पूछूंगा ही। मैं कैसा लग रहा हूँ, ठीक लग रहा हूँ, फिट लग रहा हूँ? ओ आहिस्ता आहिस्ता कहा करें, वाव, इतना ऊंची वाव कहते हैं आप लोग, कम ऑन यार, मतलब तारीफ करने की कोई एक तरीका होता है, कोई एक एथिक्स होता है। खैर आप कॉल इन कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं, कितना बड़ा आपको ये, मैं एक तरह से यू नो एक प्रिविलेज दे रहा हूँ, ऑनर दे रहा हूँ कि आप मेरे से बात करें, लाशारी साहब से बात करें। अभी अभी मैं बाहर से आया हूँ, ज़रा थोड़ा सा जॉगिंग शॉगिंग करके आया हूँ, आपके साथ शावर लिया है, एंड बस ये टीम आ गई मेरे घर में, एंड दे वांटेड कि मैं जो है वो इस शो को शुरू कर दूँ। इट्स टू हॉट है ये वैसे, बाय द वे लेट मी टेक इट ऑफ फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए इसको लेट मी रिमूव इट फॉर अ वाइल, बहरहाल क्योंकि आज एक्चुअली यार मेरे आने से कुछ 3-4 घंटे पहले ना AC चला दिया करो, बल्कि बंद ही ना किया करो, बिल मैंने देना तुमने देना यार, ना बंद किया करो यार, अजीब लोगों को खुदा का वास्ता है, लाउंज मेरा, बिजली मेरी, बिल का खर्चा मैं दे रहा हूं। एनीवेज अच्छा, आप कॉल कर सकते हैं, आप शामिल हो सकते हैं इस शो के अंदर जिसका नाम है लाशारी साहब, और लाशारी साहब आज आपको बहुत जबरदस्त किस्म की सैर भी कराने वाले हैं। आपको पता है ना कि मेरे शो के अंदर आप बगैर वीजा दुनिया घूम सकते हैं, ये एक आपको मैंने अपॉर्चुनिटी दी, अपने प्राइवेट जेट में लेके जाता हूं एंड दुनिया ट्रैवल कराता हूँ। वेल मोस्टली क्योंकि लाशारी हैज़ ट्रैवल्ड अलॉट, आपको पता ही है कि लाशारी ने दुनिया जहान की ट्रैवलिंग की है। सो यार मैं 2002, 2003, 2004, 2005 and 2006 ये 4-5 साल कंसेक्यूटिव मैं अमेरिका में जाके परफॉर्म करता रहा, एंड इट वाज अ प्लेजर, इट वाज एन ऑनर फॉर मी एंड फॉर देम आल्सो, फॉर देम आल्सो एंड ऑफ कोर्स फॉर मी आल्सो। वहाँ पे जाके आई वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग के अंदर परफॉर्म किया, एंड इट वाज अ ह्यूज ऑनर फॉर मी। खैर उसके भी कुछ चंक्स या पिक्चर्स हैं मेरे पास, वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। अच्छा एक और इवेंट था बहुत मज़े का एल्बकर्की में, वो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की
जगह है अमेरिका की, बड़ी ग्रीन है बहुत। मेक श्योर कि आप वहाँ पे जाओ एल्बुकर्की में, तो आप अपने साथ एंटी एलर्जी ज़रूर लेके जाओ, बिकॉज वहाँ पे बहुत एलर्जी वाला सीन है, बहुत ग्रीनरी है, बहुत जंगल है, लश ग्रीन एरिया है। सो हम आपको कुछ दिखाते हैं, लेट्स सी, बल्कि सामान बांध लो, चलो मेरे साथ। आपको न्यूयॉर्क के अंदर रहते हुए बहुत फास्ट ट्रेन है एंड बहुत फास्ट पेस्ड शहर है, बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं कि इनको काम से बहुत यू नो लगाव होता है, ये काम करने वाले लोग होते हैं और बहुत यू नो 9 to 5, ज़्यादातर लोग 9 to 5 होते हैं। सो हाँ, अब चलते हैं मेरी कुछ पुरानी पिक्चर्स जिनमें मैं आपको बड़ा यू नो लंबे लंबे बाल, एक बड़ी बॉयज सी लुक, अब तो एक मैनली और मैचो लुक है, उस टाइम पे बड़ी, ये देखिए घिरा हुआ हूँ मैं, ये देखिए, ये कॉन्फ्रेंस थी जी इन न्यूयॉर्क, ये मेरा न्यूयॉर्क का बहुत बड़ा कॉन्सर्ट था जिसमें शिंघाई क्वार्टेट, पता नहीं कौन कौन से और बैंड्स थे जिनमें मैरी विल्सन थी, ये मेरा बेसिस्ट था बेसिकली, वहाँ पे जितने भी म्यूजिशियन हैं उनमें दिस पर्टिकुलर गाय वॉज माई बेसिस्ट एंड ही वॉज अ वेरी वेरी स्वीट हार्ट, बहुत मज़े का बंदा था, बहुत इसके साथ यू नो मज़ा आया जैम करने का। हाँ, ये मेरे साथ जो एक खातून खड़ी हैं, शी इज़ अ ड्रमर, इनका नाम है अप्रैल, और ये मई की बात है कि जब मैं उनसे मिलने गया था, और उनके साथ जो खड़े हैं वो अगेन वही बेसिस्ट हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, उनके साथ जो वाइट शर्ट में हैं वो बिलीव मी और नॉट वो रुबाब प्लेयर हैं, ऊद भी बजाते हैं, रुबाब भी बजाते हैं, यानी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। एंड जो लास्ट में है ही वॉज फ्रॉम इंडिया एंड ही वॉज प्रॉबली अ तबला प्लेयर, हाँ ही वॉज। सो ये एक मेरी पिक्चर थी, अभी आपने देखी, ये उसका पोस्टर है जी उस इवेंट का, मैरी विल्सन द सुप्रीम्स के नाम से, दुनिया का सबसे बड़ा गर्ल बैंड था, यानी बॉय बैंड जिस तरह से होते हैं उस तरह से दुनिया का सबसे बड़ा गर्ल बैंड था उसकी, ये वोकलिस्ट, वन ऑफ द वोकलिस्ट्स थी बेसिकली, शिंघाई क्वार्टेट था इसमें और दुनिया के और बहुत बड़े बड़े प्रेस्टीजियस किस्म के लोग उन्होंने बुलाए हुए, और उसके बाद उन्होंने लाशारी साहब को भी बुलाया ऑफकोर्स, यानी मुझे ना बुलाते तो कैसे ये इतना बड़ा प्रेस्टीजियस और इतना इंपॉर्टेंट, ये मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, देखें ये मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, ये स्टेज की पिक्चर है, ये स्टेज की पिक्चर है एंड पीछे ग्रैंड पियानो है एंड साथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अकूस्टिक ड्रम्स हैं एंड आपको पता है कि साउंड चेक में उन्होंने तकरीबन 2 to 3 घंटे लगाए थे, 3 घंटे 3-4 घंटे, यानी 3-4 घंटे सिर्फ उस जगह का साउंड चेक हुआ था। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ साउंड जब भी हम परफॉर्म करते हैं कॉन्सर्ट्स में या कहीं भी, तो उसमें जो साउंड होता है बेसिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है, अपनी सिग्निफिकेंस होती है। सो बात मैं कर रहा था जी, आप कॉल भी कर सकते हैं और शामिल हो सकते हैं इस शो में अगर आप बात करना चाहते हैं मेरे साथ, और अगर आप हिम्मत कर सकते हैं इतनी लंबी मेरे साथ बात करने की 2-3 मिनट, यानी आप कंफ्यूज भी ना हो और आप हकलाएं भी ना और आप लाशारी से बात भी करते रहें, अगर आप ये चाहते हैं, कुछ ऐसा सिलसिला चाहते हैं, तो आप कॉल इन कर सकते हैं इस प्रोग्राम में एंड शामिल हो सकते हैं, गपशप लगा सकते हैं। बैक टू माई सीट, आई लव दिस प्लेस, दिस सच अ नाइस फीलिंग, रिलैक्स्ड। अब कॉल्स भी लेंगे हम बहुत ज़बरदस्त किस्म की, न्यूयॉर्क के बारे में यार मैं आपको और क्या क्या बताऊँ, खैर हम अमेरिका की बाकी स्टेट्स को भी डिस्कस करेंगे बाद में आने वाले शोज़ के अंदर, बिकॉज US इज अ वेरी ह्यूज कंट्री, उसमें बहुत ज़्यादा स्टेट्स हैं, बहुत ज़्यादा सिटीज़ हैं, हर सिटी का एक अपना कल्चर है, हर सिटी का एक अपना एक्सेंट है, इंग्लिश बोलने का एक अलग तरीका है। यार तुम लोग बहुत तंग करते हो मुझे टिक के एक जगह बैठने और सुकून क्यों नहीं देने देते हो, खैर एनीवेज कोई मसला नहीं, ये हो जाते हैं, अब मैं उधर ऐसे देखूंगा और इधर ऐसे बैठूंगा, ठीक है मेरी मर्जी, ठीक है मेरा शो, ओके बड़ा तुम हंस रहे हो, हाँ तो मैं मिलता हूँ बाद में। अच्छा ये वही कैमरामैन है जो मुझे अच्छा नहीं लगता, बाकी दोनों कितने शरीफ से, चुपचाप से, आराम से, सुकून से आते हैं, यस सर नो सर आएंगे, बड़े एहतराम से बात करेंगे, ये मुझे लगता है फैसलाबादी है, तुम्हारा मैं करता हूँ इलाज। अच्छा कॉल शॉल्स भी करें, ब्रेक लेते हैं, चलें एक काम करते हैं, लेट्स टेक अ ब्रेक एंड जब ब्रेक से वापस आएंगे तो वी हैव अ लॉट टू डिस्कस, वी हैव अ लॉट टू शो यू गाइज, टिल देन टेक केयर एंड बी राइट बैक, चैनल ना चेंज करना बिकॉज आप कर भी नहीं सकते। हाँ जी वेलकम बैक, कैसे हो, सब ठीक ठाक हो,
वंस अगेन वेलकम कहता हूँ अपने लाउंज में, अपने शो में जिसका नाम है लाशारी साहब। और लाशारी साहब से अगर बात करना चाहते हो तुम लोग तो कॉल शॉल मिला लो यार, मिलाओ कॉल। वैसे आई नो कि इतने सारे लोग कॉल मिला रहे हैं, प्रोड्यूसर साहब ने शायद तंग आके जो है ना वो साइड पर फ़ोन रख दिया होगा। मिलाते रहो, खैर कॉल शॉल मिलाते रहो। और आज जो है ना यार, मैं ये सोच रहा हूँ आज मेरे माइंड में, पता है तुम लोगों को पता ही इस चीज़ का कि मेरे माइंड में क्या क्या क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं। ये छत जो है ना सारी अभी कटवाने लगा हूँ मैं फटाफट, कोई तकरीबन कोई 10-15 मिनट में मैंने एक ख़ास किस्म की मशीनरी मंगवाई हुई है एंड टॉप शॉट लेके एंड मैं इस बाइक के ऊपर जाके और ज़रा थोड़ा सा ड्रिफ्टें मारूंगा और आपको मैं बताता हूँ कि मैं कितना बड़ा बाइकर हूँ। ये ऐसे नहीं मैंने ख़रीदा हुआ, बहुत ट्रैवल किया, बहुत ट्रैवल किया। लोग तो बाइकर्स होते हैं, मेरे पास तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं यार, जहाज़ और ऑफ कोर्स और ये तो बहुत छोटी चीज़ है, ये तो पीनट्स है मेरे लिए, पीस ऑफ केक। कॉल शॉल करो, मेरा मूड अच्छा है इस वक्त, बहुत अच्छा है। और अगर मेरे से कोई बातचीत करनी है तो कर लो, उसके बाद मेरा मूड ख़राब हो जाना है तो फिर मैंने कॉल पे झाड़ झूड़ देना है तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फिर बुरा लगता है ना यार, ऐसे ही मेहमान शहमान होते हैं। मुझे ये बताया जाता है कि यार K2 पे जो कॉलर्स हैं उनके साथ बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट करना है आपने, तो मैं उनको ये कहता हूँ यार मैं अपने तरीके से करता हूँ भाई, शो इज़ माई शो, इसको मैं अपने तरीके से ही करूँगा एंड दिस इज़ माई स्टाइल, दिस इज़ माई वे ऑफ डूइंग अ शो। सो बैक टू यू नो द अमेरिकन ट्रिप दैट आई हैड। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, याद रखिएगा एक बात याद रखिएगा, जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं ना तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने सड़ियल सा फेस नहीं बनाना है, आपने बड़ा यू नो चेहरे के ऊपर एक अच्छी सी स्माइल को कैरी करना है। अगर आप वहाँ पे एक अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना चाहते हैं विद पीपल, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ प्यार से रिस्पेक्ट से बात करें, तो ऐसे बूथा नहीं बना लेना जिस तरह से अक्सर हम बाहर जा रहे होते हैं ना तो लोगों ने बूथे बनाए होते हैं, अजीब से मुँह बनाए होते हैं। स्माइल के साथ एक दूसरे को आप ग्रीट करते हैं, ये तरीका वैसे हमें भी अब सीख लेना चाहिए। वैसे मुझे देख के तो बहुत लोग स्माइल कर रहे होते हैं, ज़्यादातर जो है वो ख़वातीन बहुत स्माइल कर रही होती हैं जब भी मैं निकलता हूँ, पता नहीं क्या मसला है यार, ऐसी कोई एक चार्म सा है मेरी पर्सनालिटी में। लेकिन वो स्माइल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो स्माइल की बात कर रहा हूँ कि जो आप एक वेलकम कहते हैं किसी को ना, जब अच्छा सा जेस्चर आप दे रहे होते हैं। यार ये मच्छर किधर से आ गया मेरे लाउंज में, मच्छर का क्या काम है यार? आप लोग स्प्रे किया करो, कम से कम 2-3 दिन लगातार स्प्रे किया करो शो से पहले, ताकि एक डॉट भी नजर ना आए। हाँ शायद, हाँ ठीक है आई अंडरस्टैंड, ठीक है हो जाता है। सो आप कॉल वगैरह करें और मेरे साथ गपशप लगाएं। यार आपको ना मैं सोच रहा हूँ एक चीज़, कुछ अरसे बाद मैं आपको कुछ सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ें चल रही हैं ना, जो कि बहुत ऊटपटांग किस्म की, बहुत पैथेटिक किस्म की चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि यार वो क्या चल रहा है, कैसा ट्रेंड है, फजूल किस्म का ट्रेंड है कि लोग जो हैं वो मीम्स बना लेते हैं और लोग जो हैं वो टिकटॉक के ऊपर वीडियोज़ बना लेते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आती उन तरह की। ऑफकोर्स लाशारी साहब कह सकते हो, अब आ ही गए हो तो बैठ जाओ। यार मेरे शो के अंदर जब भी कोई आया मुझे एटलीस्ट बता दिया करो पहले। आपको पता है? नो नो नो, यू कांट, यू कैन नॉट, यू कांट टच मी। आप ऐसा होने नहीं दूंगा। सुन तो लीजिए, इतनी बड़ी फैन हूं मैं आपकी। ओह माय गॉड, मैं बिल्कुल बिल्कुल परेशान और बिल्कुल भी मैं हैरान नहीं हुआ, बिकॉज मेरे हर बंदा ही फैन होता है यार। आप भी फैन, यू आर वन ऑफ द फैंस। इधर देखिए, व्हाट्स द नेम, इधर देखिए। जेलस हो रहे हो ना तुम लोग सारे? लाशारी साहब, लाशारी साहब, ओ माय गॉड, सॉरी, आई एम सॉरी। आप पर्चे बच्चे ये लेके क्या पैथेटिक हो गए हो। मैं बहुत एक्साइटेड हूं, आपको पता है मैं किधर से आ गया हूं। एक मिनट यार, स्कूल किस स्कूल की छुट्टी हुई है? स्कूल की कहां से बची आ गई चल के? मैं स्कूल में नहीं हूं, अब मैं कॉलेज में आ गई हूं। स्कूल में नहीं हूं मैं, अब मैं स्कूल में नहीं हूं, बड़ी हो गई, आपको लग नहीं रहा? ये देखिए, तो क्या मतलब फैन हो मेरी किस चीज? वैसे तो मेरे अंदर 1001 क्वालिटीज हैं, लेकिन मेरी किस क्वालिटी को देख के तुमने सोचा कि इसका फैन? तो वही है, मैं आपको पता है इतनी बड़ी फैन हूं। अम्मी को नहीं बताया, अम्मी को बोला था दोस्तों के साथ। अच्छा किया अम्मी को नहीं बताया, वरना अम्मी भी तुम्हारे साथ आती और उनकी भी हालत होती। अम्मी, अम्मी की भी हालत ऐसी होती है, लेकिन अम्मी को तो फिर
डांट पड़ जाती ना इस वजह से। ओह माय गॉड, आप मुझे वेलकम तो कर रहे हो आपके शो में, इतनी मुश्किल से आया हूं। आपको पता है आपका जो गार्ड था ना वो उधर देख रहा था, मैं इधर से निकल आई। गार्ड उधर देख रहा था यार, तो फिर तो ये कोई भी आ सकता है अंदर यार, कम ऑन। मैं आपकी फैन, गार्ड ऐसे ना करें ना, देखें। अच्छा चलिए चलिए, सॉरी ना, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बचपन से फैन हूँ। ठीक है, लेकिन अच्छा वैसे हाँ, मैं मतलब छोटी सी है, कहीं से भी यू नो निकल गई। मैं बचपन से आपकी इधर देखी तो सही मेरी। आपका वो एक कैमरामैन है, उसने मुझे बड़ा हेल्प किया इधर तक आने में। यकीनन ये वाला होगा, ये मैं नहीं बता रही आपका नाम नहीं बताऊंगी। अनमोल नहीं था। मुझे वैसे ही बड़ा बुरा लगता है ये। अच्छा सुनो, अच्छा एक कॉल कर लूं अपने दोस्त को भी बताऊं ना कि मैं बताओ आपके साथ हूं। हेलो उठाओ ना, वैसे हाय टाइम है किरण लशारी साहब के साथ हूं। मैं शो कर रहा था करने की कोशिश। बात पे कॉल करती हूं, मैं शो। अच्छा मैं, आप मेरे से बातें करें ना। आपको पता है जब मैं छोटी सी थी ना, इधर देखना, अभी भी छोटी सी ही हो। नहीं अब तो मैं बड़ी हुई हूँ, ऐसे नहीं कर रहे, मैं बड़ी हो गई हूँ। मैं छोटी सी थी ना, स्कूल में थी ना, तो मैं ना आपकी पिक्चर्स ना अपनी डायरी में डालती थी, डायरी को लॉक लगा देती थी। तो एक दफा अम्मी ने देख लिया, कहती कौन है, मैंने कहा अम्मी ने यूँ नहीं कहा होगा, अम्मी ने कहा होगा ये कौन है, मैंने कहा आपके होने वाले दमाद है। अम्मी ने मुझे इतना मारा। उसके बाद तो इस लिस्ट में और इस लाइन में बहुत से लोग लगे हुए हैं, लेकिन मैंने फिलहाल शादी का सोचा नहीं। तो मुझे तो देखिए मैं इतनी प्यारी हूं, बहुत छोटे हो मेरे से, बहुत छोटे हो। नहीं छोटे नहीं हूं मैं चाहता हूं एक मतलब एक अच्छी जिंदगी गुजार के, और जो जो मेरी ख्वाहिशें वैसे तो तमाम पूरी हो गई हैं। अच्छा लेकिन अगर कोई एक आधी रह गई तो वो पूरी करके आल गेट। अच्छा सुन ना लशारी साहब, अच्छा मैंने सारी चीजें लिखी थी कि अगर मैं उनसे मिलूंगी ना तो मैं ये भी करूंगी। अच्छा मुझे थोड़ा सा सवाल जवाब कर लो आपके साथ, पूरा करवा देंगे। अच्छा मुझे बताए आपको कौन सा गाना अच्छा लगता है, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन? गाना एज इन किसी आर्टिस्ट का? हाँ ना, मैंने सारे वही गाने अपनी टेप में डाले हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, जितने भी मैंने सुने थे। अभी मैं और जरा टेप में ना गाने और बढ़ाना चाह रही हूँ, बताए ना कौन सा गाना अच्छा लगता है आपको। कौन सा गाना अच्छा लगता है यार, मुझे अपने गाने अच्छे लगते हैं, मुझे अपने अलावा कोई अच्छा लगता ही नहीं है। आपके गाने सारे गाने हैं मेरे पास, वो चश्मे बदूर और वो भूल जाना और वो तेरे चेहरे पे, सारे गाने हैं मेरे पास। अब और भी गाने गाए ना आप? मैंने गाने जितने गाने थे गा लिए। और उसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े इंटरनेशनल आर्टिस्ट। मैंने नहीं जाना अभी, मैंने नहीं जाना। ऐसे क्या मतलब, क्यों जाऊं मैं? तुम कौन होते हो मुझे निकालने वाले, इतनी मुश्किल से आई हूं अंदर। एक काम करो, अभी चले जाओ, रुक जाओ, सारे सवालों के जवाब। एक और बात बताओ, मेरी अभी मीटिंग है किसी। अच्छा एक और आखिरी बात बता दो। हाँ बताओ। आपको पता है मेरे फोन का पासवर्ड क्या है? लाशारी साहब। कितना इंटेलिजेंट हूँ ना, है ना? ना इशारे करो मुझे इस तरह से, इतनी मुश्किल से आई हूँ, बदतमीज। अच्छा भी स्वीटहार्ट, अब मेरा ख्याल है इट्स टाइम फॉर यू टू गो, और अभी मेरी मीटिंग है किसी के साथ, बहुत जरूरी किसी के साथ। कोई बिजनेस डील हो रही है यहाँ पे ना, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, हम इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं। चली जाऊँ अभी? हाँ अभी चले। अच्छा अपने गार्ड को कहना इस तरह बंदूक ना ताने मेरे ऊपर। गार्ड की तो मैं अभी ऐसी की तैसी करता हूँ, रुको मैं अभी गार्ड से पूछता हूँ कि ये उसके होते हुए। अच्छा आखिरी बार कैसी लगी मेरे सामने, आपने कैसा लगना है मेरे सामने? आपने एक नॉर्मल सही लगना है। हाँ वैसे अगर यहाँ पे करना होती है, कहीं बाहर होती है तो ठीक है, अच्छी ठीक ठाक लग रही है, सही लग रही है। कंसीडर करिएगा ना मुझे भी। चले आई विल ट्राई, आई विल ट्राई। अभी जाऊँ? अभी जाओ। बाय बाय। हा हा कोई बात नहीं यार, एक्चुअली पता क्या है, मुझे जल्दी इसलिए है कि बिकॉज मेरी अभी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की बिजनेस मीटिंग है, एंड एक ब्रांड है जिसके साथ मैं सोच रहा था कि बिजनेस करूं। अभी वो खातून आएंगी, उनके साथ गपशप लगाएंगे, और वो खातून जो है वो जब आएंगी तो उनके साथ हम गपशप लगाएंगे और बिजनेस डील करेंगे, करोड़ों की बात करते हैं, करोड़ों, 5-6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़ की एक छोटी सी डील है। बहुत क्या हाल है आपके, कैरियर से हैं आप? आपको आते हुए कोई किसी परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा, और आप अच्छी लग रही हैं। आपको पता था ना लाशारी से मिलने जाना है, तो आपने अच्छा ड्रेसअप किया। और सुनाए आपका वो कारोबार कैसे चल रहा है सारा सिलसिला? लेंजेस पहने आपने, मुझे लग रहा है कि आपकी रियल आंखें हैं या लेंजेस हैं।
नहीं आप बैठिए ना, मैं अभी चाय शाय मंगवाता हूँ आपके लिए, अभी हम डील करते हैं बिजनेस की। आई नो बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत जगह है, ऑफ कोर्स आपने तो देख के हैरान ही होना है। आपको पता है ना, यहाँ पे जो भी आता है वो एकदम से हैरान हो जाता है कि ये लशारी का लाइफस्टाइल क्या कैसा है यार, इसके लाइफस्टाइल को हम कैसे अडाप्ट कर सकते हैं। बैठो दो मिनट के लिए, बैठो गपशप लगाते हैं। अच्छा जल्दी तो नहीं है मेरे पास, क्योंकि अभी इतना यू नो 5-6 करोड़ ऐसी कोई रकम नहीं है कि मैं अपने साथ कैरी करूँ, तो अक्सर मैं वो अगर ट्रांसफ़र करनी हो तो वो मैं कर देता हूँ, वैसे ही आपको पता ही मिनट लगते हैं, तो जल्दी। हाँ करीना फिर दीदी पर एक ब्रेक ले, मुझे समझ नहीं आ रही मेरे साथ हो क्या रहा है, एक ब्रेक लें उसके बाद दोबारा मिलते हैं। एक मिनट रुके, आप डेदा पे बड़ी मुश्किल से मैंने उनको यहाँ से भिजवाया थोड़ी देर के लिए, बिकॉज व्हाट वाज दैट, ये क्या था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने आप लोगों को बोला भी था कि मेरा मूड इससे पहले कि ख़राब हो जल्दी जल्दी मुझे कॉल कर लीजिए, बिकॉज अगर मेरा मूड ख़राब हो गया ना तो फिर आप कॉल भी करते रहेंगे मैं उठाऊंगा नहीं। खैर ट्राई कर लें, हो सकता है मैं उठा लूँ। मैं तो बिज़नेस डील करना चाह रहा था, मैं तो चाह रहा था कि इन खातून के साथ मैं अपनी यू नो एक डील करूँ, और मैं सोच रहा था कि एक ऑल द बिजनेसेस डिफरेंट बिजनेसेस एक और बिज़नेस के अंदर आई शुड जंप इन, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उनके लिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी राधर। आपको पता है मैं ये छोटी छोटी 5-6-10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स जो है ना लोगों के लिए करता हूँ, बेसिकली अपने लिए तो नहीं करता हूँ, जाहिर है ऑफकोर्स ये तो बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट्स है। आप आगे फ्रेश होके मैं गई भी किथाई को नहीं आमी बाय द वे किथाई, ये आप माशाल्लाह आपको देख के लग रहा है कि यू फ्रॉम यूके, यू आर अ मॉडल। ये कौन सी पेंडू किस्म की आप लाएंगे, ये क्या किथाई किथाई क्या कर रही है, मतलब है यूके वाली चेयर बिजनेस कर सकती है, यूके वाली चेयर ए कम कर सकती है, यूके वाली चेयर फैशन को फॉलो कर सकती है, राइट वाली चेयर क्यों नहीं कर सकती। चेयर तो नहीं होगी हमारे पास, वैसे तुम्हें पाकिस्तानी पीस मैं को नजर आना भी ज्यादातर डैश मारने जरूरत नहीं है बाय द वे। अच्छा बिजनेस दी गल्ला ती में जी साम किथाए मैं शेयर तेरे नाल करने फोन तू नहीं चाहती कि तू प्रोफेशनल है। देखो क्या नाम है, बिकॉज एक वो डायरी थी उसमें लिखा था मैंने, आई थिंक सैम जी, बिल्कुल सैम। सैम एक्चुअली पता सीन क्या है, बात यह है कि ये जो ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट जो है ये बेसिकली मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ताकि आपको एक ग्रोथ मिले, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले टू वर्क विद लाशारी साहब। सो ये मतलब मेरे लेवल की तो इन्वेस्टमेंट तो थी ही नहीं, और जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आपको लगता है मुझे देख के, मेरा स्टाइल देख के, मेरी लिविंग देख के, मेरा लाइफस्टाइल देख के, यार मेरा बाइक खड़ा है यहां पे, मैं को अंदाजा थी के तेरे स्टाइल देख के तेरे रामद अंदाज, लेकिन मैं कोई ना चीज बिल्कुल जरूर मेरे को ऑप्शन है, इतने सारे लोग मेरे को कॉल्स करने पे, लेकिन बात में थोड़ी मोर रिस्पेक्ट रखी मैं कि नहीं लशारी साहब मेरे को कॉल्स की थी कि यार किसी ना तेरे शेयर नहीं करने, क्योंकि मैं दे तेरे शेयर उसे प्रोफेशनल है, ऑलरेडी मेरे को इतना ज्यादा कम है ना, मैं वेली नहीं आ तेरे को वेली है जम दे जम चार के बैठी रहा वहाँ। आपको पता है जब बंदा बहुत सारा काम कर ले ना, जब बहुत सक्सेसफुल हो जाए तो उसके बाद फिर वो वेला ही हो जाता है, फिर लोग काम कर रहे होते हैं उसके लिए, तो मेरा वो लेवल है, तो आपने मुझे वेला कहा मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। लेकिन बात यह है, क्या नाम था आपका, आयशा राइट, सना आयशा सना ईरम जेड़ियां भी छेरे ना मैं को नाल कोई सरोकार नहीं, मेरा मतलब है ते मैं को इतना इंतजार करवाया एज अ प्रोफेशनली मैं खुद तेरे को टूर के आंदी पई हां। वैसे ऑन सेकंड थॉट बड़ी एग्जॉटिक लैंग्वेज है यार सराइकी, इज क्या मतलब है मेरी लैंग्वेज ते आई क्यों तेरे को गल करने की ना कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें गुस्सा भी आता है। देखो बीबी गुस्सा ना करो, लाशारी साहब के सामने बैठी हो ऐसी कोई लशारी साहब रग पे रग चढ़ जाएगी, मैं भी कोई आम छेर नहीं आईंदा, ए मतलब नहीं कि जो तेरे दिल ही चाक से तू आख से एक हद दो दी लिमिट्स ऑन दी है, कोई हद बर्दाश्त मेरी सब कुछ खत्म थी चुकी है। देखो बैठो सैम, मैं थबामर नहीं है मेरे को बहुत ज्यादा, मेरा कीमती टाइम है, टाइम इज मनी लशारी साहब, अंग्रेजी बुला दी ना फिर इसके मुंह से, अंग्रेजी बुलवा दी ना, ये देख ले ये लशारी साहब का स्वैग है, सराय की बुला दी है इसको, नहीं सराय की मैं को बिल्कुल नहीं भूली, मैं पैक को डिसेंड ही पई हां कि ए गल डिसेंड ही, वो तो मतलब डिसेंड ही नहीं होता भाई, डिसेंड ही डिसेंड दा ते सांप है,
मैं एक्चुअली जाहिर बाहर पला बड़ा हूँ तो मुझे तो ये पेंडू लैंग्वेज आती नहीं है, ये डिसेना विसेना। मेरी पैदाइश थी जी ये जर्मनी साइड पे कहीं, मतलब एक बड़ा जबरदस्त हमारा सबर्ब्स में एक वहाँ पे वो उसका ना एक एक खानदान से ताल्लुक रखेंदे वे मेरे जी लाशारी ये बेसिकली तो जर्मन ही थे ना जो यहाँ पे आए थे। मैं कुछ ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, मेरे को बहुत ज्यादा टाइम है, फालतू मेरे को बिल्कुल टाइम। अच्छा कपड़े जो आप बनाते हो इसी तरह के यही कट्स हैं उनके कपड़ों के? मैं सोच रहा हूँ कि कुछ चेंज करें। देखिए कुछ डिजाइन चेंज नहीं, मैं बिल्कुल भी मैं फाइनल डिसाइड कर गित है कि मैं तैनल काम नहीं करना, नहीं करना, क्योंकि मैं नॉन प्रोफेशनल लोगों का काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। नेक्स्ट टाइम पैरी कॉल मेरे नंबर पे ना आवे तो ना मेरे ऑफिस तू मेरे को कथाई में नजर आ। मेरा शो सो प्लीज ओके ओके मेरा ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करता, ये हो जाती है इंसान के साथ लाइफ में। यू नो जब आप इतने पॉपुलर होते हैं ना तो लोग आपके मुंह पे आके पता नहीं क्या कुछ कह जाते हैं। आई डोंट केयर मेरा एक अपना स्वैग, अपना एक लाइफ स्टाइल है, सो आई डोंट रियली केयर अबाउट इट। खैर मैं बात कर रहा था अपने इस बाइक की। ये बाइक मैंने आज से कोई एक दो साल पहले लिया था, एंड जब मैंने ये बाइक लिया था तो आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने कहा यू नो एक प्राइवेट जेट के बाद मैंने बाइक लिया है। देखें लोग बाइक्स लेके उसके बाद फिर जेट्स लेते हैं, मैंने जेट लेने के बाद बाइक लिया, तो मतलब मैंने कहा जरा थोड़ा ट्रेंड चेंज किया जाए। सो इट्स अ बीस्ट, ये एक बीस्ट है, इसमें कोई शक ही नहीं है। जैसे आप मुझे देख के कह सकते हैं कि यू नो बीस्ट, बेस्ट एंड बीस्ट। सो इट्स ऑल्सो अ वेरी नीट बाइक यार, वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स में चला गया मुझे देख के, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया मुझे फील। चलो ठीक है यार, रिलैक्स। मेरा जो स्वैग है ना वो सिर्फ लिविंग थिंग्स के ऊपर नहीं है, ये नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर भी है। खैर आई डिडंट नो दैट। हा। अरे 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 नदीम क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? खैरियत से है? ठीक है सर। क्या हाल है डॉक्टर साहब? कैसे हैं? यार आप एक दिन के लिए लेके गए थे और वापस ही नहीं लेके आए। अरे आप अपना हमारा फोन उठा रहे हैं ना, बात कर रहे हैं। अभी आए बैठे तो हम अभी आए हैं तो अपनी चीज लेने आए हैं ना। इसके बारे में आपको मालूमात भी है या लोगों को वैसे ही बेवकूफ बना रहे हैं? दो मिनट बैठे और सुनाए आप ठीक ठाक है? आपने वो लास्ट टाइम जो मेरा वो सर्जरी की थी दांत की, इट वॉज वेरी गुड। अच्छा हाँ वो ठीक था, क्योंकि मुझे आपको पता है मैं यूजुअली तो बाहर से कराता हूँ ये सारे यू नो ये सर्जरीज वर्जरीज ये सब चीज़ें। आपको पता है मैं ट्रस्ट नहीं करता लोकल डॉक्टर्स पे, बट किसी ने मुझे कहा, कोई बहुत बड़ा रेफरेंस था जिसने कहा कि डॉक्टर साहब को ट्राई करना चाहिए। ठीक है तो आपने अच्छा किया। थैंक यू माशाल्लाह। ये बस लोगों को बता रहा था ये बाइक का, वही वो जो आप कह रहे थे बात हुई है, लेकिन ये जब मैंने खरीदा था तो उस वक्त ये इसकी काफ़ी अच्छी प्राइस थी, अच्छी प्राइस में मिल गया था। अच्छा नहीं आप सीधे ही हो गए। अच्छा ये मतलब मुझे माशाल्लाह यूएफसी के फाइटर लग रहे हैं ऐसे फाइटर कम है यूएफसी के फाइटर। बचपन में थे हम। अच्छा। नहीं थे हम बचपन में लड़ते थे। मैंने शाओलिन टेम्पल से कोई 3-4 साल का एक वो उनका होता है वो ट्रेनिंग, मेरा दिल नहीं लग रहा था वहाँ पे, गंजे देख देख के ना वहाँ पे गिरते। शाओलिन मॉन्क से आपका लगता है कोई बड़ा गहरा ताल्लुक है? मॉन्क शॉन्क वहाँ पे देख देख के खुदा की कसम मुझे उल्टी आना शुरू हो गई, बिकॉज यूज टू नहीं है ना, हम तो घने बाल और ऐसे यू नो ब्यूटीफुल यू नो स्पेशल हेयर एंड ऑल, तो वहाँ पे मैं बोर हो गया था। मैं वहाँ पे मिक्स मार्शल आर्ट्स एंड कंग फू एंड पता नहीं क्या क्या ताई ची ये सारे आर्ट्स आपके भाई को आते हैं ऐसी बात पे। क्या तो ये बाइक का जो है वो मैं वो बता रहा था, वो कोशिश कर रहा था बताने की, आप ही बता देंगे। खैर मुझे तो पता है ऑफ कोर्स आई नो कि कितनी ये आपने चलाया कितना ये हायाबुसास चॉपर्स ये सब मुझे पता है। आप मतलब लोग ये ना समझे ना कि मैं शायद ऐसे ही बात कर रहा हूँ। अच्छा ये बताया ना ठीक है, ये क्या है, ये कैटेगरी क्या है वैसे? ये एक कैटेगरी का है, एक कैटेगरी है ये, एक कैटेगरी। ए मींस हे मींस के ये ऑफ कोर्स अगर मेरे लाउंज में खड़ा है तो इट हैज टू बी ए। जैसे हम लोगों को बताना चाहेंगे ये एडवेंचर है बेसिकली। ए फॉर एडवेंचर? हाँ ए फॉर एडवेंचर, दैट्स व्हाट यू मीन। अच्छा ये जो ये इसमें कितनी अकसाम होती है जरा ये थोड़ा सा मुझे इस एडवेंचर में। जी एडवेंचर में, एडवेंचर में ये हैवी बाइक्स में हैवी आता है थोड़ा, ये हैवी इंजन के अंदर है। अच्छा और ये क्रॉस कंट्री
के लिए है और लॉन्ग टूरिंग के लिए है सही, और स्लाइटली ऑफ रोडर भी है। अच्छा स्लाइटली ऑफ रोडर भी है, फिर इसके अंदर आप इसको ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। फिर इसके लो कैटेगरीज आती हैं, लो इंजन सीरीज आती हैं जो लाइट वेट होते हैं, उसमें यह है कि आपकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी और बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ है सही। और बाकी आपने चलाया, आपको भी नहीं पता होगा इसके बारे में? मैंने तो इसको ज्यादा नहीं चलाया, वैसे मैं थोड़ा सा ही चलाया। अच्छा हाँ, इसको मैं तो बस यहाँ बस बातों बातों में खेल रहे हैं। आप देखिए इसको मैंने कितना संभाल के रखा है अपने लाउंज में इसको, हाँ। ताकि इसको नजर ना लगे और इसको यू नो कोई हाथ शाथ ना लगाए। आपको पता है गंदे हाथ लगाते हैं पाकिस्तान के अंदर, मैंने नोट किया है। माले को क्या कहते हैं, माले मुफ्त दिले बेरहम। ऐसे ही डॉक्टर साहब, ये डेंटिस्ट बनते बनते ये क्या ख्याल है आपको, ये बाइक शाइक्स का ये क्या है? सही कह रहे हैं आप तो माशाल्लाह, डेंटिस्ट हैं, आपका एक अपना स्वैग होना चाहिए। क्या बाइक शाइक्स, आप हम पे रहने देना दोनों भाइयों को। ये तो खुंजराब तक गए हैं इस पे। पंजाब भी गवादर भी करके हैं। आपने मेरा शो शुरू में तो नहीं देखा था? देखा था, ऑस्ट्रेलिया गए थे ना। उसी से तो इम्प्रेस होके हमने छोटे मोटे टूर लगाए थे। अच्छा, हमें नहीं पता था कि आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। इस पे ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं वैसे बाइक पे? हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा सा लंबा हो गया, थोड़ा सा कम करें। आप जैसा जा सकते हैं वैसे, इधर उधर करीब करीब। सही सही। ऑस्ट्रेलिया आबादी की बात कर रहा था वो, जैसे वो गवादर गवादर के आस पास। आप वैसे इस बाइक पे आपस की बात है, कभी पिंडी भटियां तक गए? मैं इसके ऊपर नहीं, मैं इसको निकालता नहीं हूँ। मैं एक्चुअली आपको पता है मैं प्राइवेट जेट वगैरह पे ट्रैवल करता हूँ, तो ये बाइक साइक्स इज नॉट माय थिंग। जेट या जेट? जेट, प्राइवेट जेट। तो अपना देख के लग रहा होगा कि स्वैग तो है भाई का, ये तो खैर आप मानेंगे ना ये। अच्छा नदीम, मुझे ये बताइए कि आपने जब ये बाइक, नहीं ये तो बाइक मेरा है, इस तरह के और बहुत सारे बाइक आपने जब खरीदे थे जी, तो क्या पहले शौक था बाइकर बनने का, या पहले बाइक्स खरीदे फिर ख्याल आया कि यार अब बाइकर बना जाए? और ये बाइकर्स होते क्या हैं ये जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। मुझे पता है, मुझे नहीं करना है, लोगों को बताना है। एडवेंचरस माइंड होता है इनका थोड़ा सा, ठीक है ना। एडवेंचर पसंद करते हैं, ठीक है, और नेचर को पसंद करते हैं, क्योंकि जब आप बाइक पे होते हैं तो आप नेचर को फेस कर रहे होते हैं, ठंडी हवा, गर्म हवा, बारिश, कुछ भी, कीचड़। एक बात बता रहा हूँ, इवन समटाइम रोड को भी फील करते हैं जब गिर जाते हैं, ठीक है ना। तो नेचर के बड़े करीब होते हैं ये। फिर तो ये लाशारी कभी भी चला नहीं सकता, बिकॉज लाशारी को गिरना पसंद नहीं है। गिरना अच्छा ही नहीं लगता। लाशारी किसी सवारी से गिरे ये हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो आप बता रहे थे कि ये सारे एडवेंचर्स आपको, तो ये जो बाइकर्स है ना बेसिकली वो थोड़ा सा नेचर के करीब होते हैं और इस तरीके से है। सही सही। और क्या पूछना चाहेंगे आप? नहीं, मैं ये पूछना चाहूँगा कि यार ये कब तक शो में, वैसे बहुत क्या? सारी बातें अंदर की जो है वो हम बाद में करेंगे ना, सारी बातें, वो जो वो बाइक के बारे में जो आप बात कर रहे थे, आपने उधार लिया हुआ है जो पैसों का हिसाब है उसकी बातें कर रहे हैं आप? नहीं यार, उधार वो तो हम नहीं कर रहे ना अभी। आप दोस्ती क्या, उधार क्या, ये बात बडीज है यार। बडीज में उधार उधार वाली चीज होती नहीं है। डॉक्टर साहब समझाएं कुछ। सही कह रहे हैं। कैसा लगा बाइक आपको वैसे? नहीं मैं तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। आपको कैसा लगा आप बताएं? अच्छा लगा ना? इट्स वन ऑफ द बेस्ट मशीन इन द वर्ल्ड। ये तो फिर देखें, मैं जब इसको देख रहा था तो मुझे ये फील हुआ कि मैंने यही लेना है, और उसने कहा बना ही आपके लिए यार, ये सोल्ड है, ये सोल्ड है, ये आपको नहीं दे सकते। मैंने कहा बताओ प्राइस, क्या प्राइस है यार इसकी? मैंने कहा, उसने जब प्राइस बताई ना, ट्रस्ट मी, मुझे इतनी जोर की हंसी आई कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने कहा इस प्राइस के ऊपर तुम मेरे से बहस कर रहे हो, लाशारी से बहस कर रहे हो। अच्छा ये मुझे बताएं, ये जो शौक है ये बहुत महंगा शौक है? लोग जब बाइकर्स का सोचते हैं तो दो तीन चीज़ें आती हैं जहन में। एक तो ये कि यार ये फड्डेबाज होंगे लोग, इनके सब पंगा नहीं लेना। बिल्कुल ऐसा है, ठीक है, बिल्कुल। दूसरा यार ये नहाते नहीं होंगे, आपको देख कर ही लग रहा। अच्छा। लेकिन ज़्यादातर ये जो बाइकर्स होते हैं मतलब वो निकले हैं तो बस दो दो तीन तीन दिन बस निकले ही हुए हैं, नहाते वाते नहीं है। मैंने तो आपको कहा ना, नेचर पसंद करते हैं, मिट्टी पसंद करते हैं। और तीसरा सॉरी लेकिन वेले लोगों का शौक। तो ये मैं नहीं कहता हूँ, ये लोग कहते हैं, ये आप बेइज्जती कर रहे हैं हमारी। नहीं नहीं, मैं आपके शो में हमें दिल करने के लिए बोला यार। ब्रो आपके साथ तो दिल लगी है, दोस्ती है। अच्छा हाँ, तो ये बात कहाँ तक सही है? ये बात काफ़ी हद तक ठीक है, काफ़ी हद तक ठीक है कि वेला करना पड़ता है अपने को, और शौक कोई भी सस्ता नहीं होता दुनिया का। हर शौक जो है ना वो कुछ ना कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज़ देता है। सही है, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ मनी, कॉम्प्रोमाइज़ आर देयर। गुड। तो कभी ऐसा हुआ कि आप लोग बाइक पे निकले हो, डॉक्टर साहब ये आपसे पूछ रहा हूँ, कभी निकले हो बाइक पे आप और घर से कॉल आ जाए
कि आते हुए जरा ये दही ले आना, पैंपर ले आना या इस तरह की चीजें, तो उस वक्त कितनी कोई खिंच चढ़ती है आपको? करना पड़ता है सर, करना पड़ता है, दही लेके जाना पड़ता है। वो बाइक के ऊपर बांधा होता है आपने, इस बाइक के ऊपर इतने बड़े हमारे बॉक्सेस लगे हुए ना। ओ वाओ, पैंपर कहां से याद आ गया? बाकी तो ठीक है, दही वही तक तो सही है मामला। पैंपर्स यू नो पाकिस्तान में चलती है इस तरह की चीजें, डायपर, दही मोस्ट कॉमन आइटम है। दही, अच्छा, दही मोस्ट कॉमन आइटम है। अच्छा यार, आप लोगों के हवाले से एक बहुत बेहतरीन सा पैकेज बनवाया हुआ है हमारे प्रोड्यूसर ने, आई थिंक देखते हैं उसके बाद फिर गपशप लगाते हैं। अच्छा। और ये बाइक फिर डिस्कस करेंगे आप। Nice, very nice. You like it? I like it. Zabardast. Thank you. Thank you. It was cool. और मेरे शो में इसी तरह की चीज़ चलनी चाहिए, वो एक यू नो एक बैलेंस होना चाहिए। ठीक है। सो वो जो पहले सराय की, आई होप आप लोगों ने नहीं सुना कि सराय की गुफ्तगू भी चल रही थी इस लाउंज में, कभी हुआ नहीं है आज से पहले, बट इट्स अ लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान आई नो। लेकिन ज़ाहिर है जब लाशारी साहब के लाउंज में बैठे हों तो ज़्यादातर अंग्रेज़ी या उर्दू या फ्रेंच, कभी कभी स्पेनिश भी चल जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मुझे 3-4-5-6 जबानें आती हैं इसे। लाशारी साहब ये तो बताएं कि ये बाइक जो भी दिखाया है आपने, नीला वाला, ये है किसका, क्या है कुछ? ये तो आप बताएंगे, ये तो आपका पैकेज है, इनका बाइक है, यही बताएंगे। ओह वाओ, ये आपका बाइक था यार, ये तो ब्यूटी है, नो डाउट। इट्स अ ब्यूटी। इसको थोड़ा सा बताएं ये है क्या। ये है जी होंडा वेल्क्री है, सिक्स सिलेंडर बाइक, सिक्स एंड नाइन जी, 1850 सीसी। ये वाला जो बाइक है ये एडवेंचर टूरिंग के लिए, वो क्रूजर है। ये जो हायाबूसा कहते हैं ये क्या, वो क्या, मुझे पता है। मैं मतलब ये मैं सवाल इसलिए दोहराता हूँ, शायद आपको ये लग रहा होगा कि मैं पूछ रहा हूँ, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, लोग पूछना चाह रहे हैं। हायाबूसा जो है वो एक स्पोर्ट्स कैटेगरी है, स्पोर्ट्स कैटेगरी यानी वो रेसिंग के लिए। जी जी जी, सुपर बाइक्स में वो आता है, तो दैट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट बाइक्स इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द फास्ट। जी, तो मेरा एक सॉन्ग बना था 2005 में इंडिया में, बॉलीवुड में, उसके अंदर हमने हायाबूसा उस टाइम पर इंट्रोड्यूस करवाए थे, तो उस वक्त लोगों को ये टर्म का पता भी नहीं था, तो ये बड़ी पुरानी बात होगी। अच्छा, मुझे वाला वो जो सलमान खान के साथ, सलमान खान के साथ था, और जिस बाइक पे कैटरीना कैफ और आप बैठे थे, सल्लू, हां उसी की बात कर रहे हैं, उसी की। सलमान ने याद आ गया, बचपन में देखा था, मैं रिक्वेस्ट की थी मुझसे, मैंने कहा यार मेरे पास टाइम तो नहीं है, बट चलो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। मुझे ये बताएं कि इस्लामाबाद में तो ये बड़े मसले होते हैं ये बाइकर्स के लिए। आई नो कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिटी फॉर बाइकर्स, उनको बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं यहाँ पे, क्या लोगों के साथ, ये तो आप बताएं। हाँ, वो होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो मसले मसाले चलते होते हैं। हाँ, तो उसको किस तरह से हल करते हैं यार? एक कॉल ले लें डॉक्टर साहब, आप नदीम भाई आपकी इजाज़त से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन? मैं मोइज, पेशावर से। पेशावर से कौन? मोइज। बोली मोइज, मोइन जी, मोइन क्या कहना चाहेंगे, कुछ कह भी पा रहे हैं आप मुझे देख? हाँ, मुझे बाइक का बहुत शौक है। बाइक का शौक है आपको? किस तरह की बाइक का शौक है? मैं बाइक चलाना सीख रहा हूँ। आपको बाइक चलानी आती है? जी, मैं सीख रहा हूँ। और आप कितने साल के हो? मैं 16 years। हाँ, 16 15 years के हो?
तो आपको लगता है कि 15 या 16 इयर्स के लड़के को बाइक चलानी नहीं, नॉट रिकमेंडेड है ना? आई थिंक यू शुड ग्रो अप पहले. आई थिंक कोई 18 साल के जब हो, हम कहते हैं कि जी मैच्योर एज का बंदा हो ये, इवन 18 इयर्स एंड अबव नॉट. ठीक है, एटलीस्ट 25 एंड अबव. द रीजन व्हाई जो बच्चे जो यंग लोग होते हैं उनका एड्रेनलिन बहुत रश करता है. और ये बाइक जो होते हैं ना, ये जब जरा सा आप इसको एक्सेलरेट करते हैं तो आपके दिल करता है कि आप, ये फिर आपके काबू से बाहर हो जाते हैं. तो हमारे जैसे मैच्योर लोग मैं समझता हूँ ज्यादा ठीक रहता है, सही, रादर देन कि बच्चों को दिया जाए. बच्चों को दिया, बच्चों के लिए मशीन नहीं नहीं है, बट शौक अपनी जगह, शौक अपनी जगह है. और अगर चलाना भी है तो किसी बड़े के साथ चलाएं, सही है, जो देखता रहे, और बिल्कुल चलाएं, शौक पूरा करें, मगर अकेले ना दें. सही सही सही. तो ये जो किसी जमाने में एक वेस्पा आया करता था ब्लू रंग का, बड़ा खूबसूरत, वो कोई मॉडिफाई कराने की वेस्पा, तो ये ना बंदा पैदल पहले निकल जाता है, वेस्पा बाद में आता है. आप बिल्कुल ही नीचे चले गए ना. ये मैं नहीं हूं. ये लोग ये देखेंगे, ये सवाल सारे अभी आप ये लोगों के सवाल, तख्त की बात करते हैं कभी, तख्ते की बात नहीं. वो पता है वो एक और एक यू नो एक फील्ड है कि जिस तरह से विंटेज कार्स एंड वेस्पास एंड पुरानी, वो एक फील अलग चीज है. मेरे पास तो काफी, मैं आपको अपना गैराज का विजिट कराता हूँ. जैसे ही जा रहे जैसे हाँ, जिस तरह नहीं, इस तरह, नहीं, और भी है आपके पास बाइक? नहीं इस तरह नहीं, इसके अलावा इस टाइप की और अच्छा गाड़ियाँ ऊपर, एक दो गैराज, एक बेसमेंट में एक ऊपर भी बनाया, तो वो भी विजिट आप लोगों ने करना है जाते हुए लाजमी. एक और कॉल लेते हैं, बल्कि डॉक्टर साहब आप कॉल लें, आप बताएं जो सवाल होगा जवाब. हेलो हेलो, कौन? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. यार टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर दो. भाईजान परेशान नहीं होना, ये होता है, ये उनकी आवाज जो है वो एकदम से चेंज होगी. वो ये होता है, ये तब होता है कि जब आप बहुत ज्यादा किसी की पर्सनालिटी को देख के ना एकदम से इंप्रेस हो जाओ, तो हो जाता है आवाज चेंज हो जाती है बार बार. इट्स ओके बेटा, कोई मसला नहीं है. अच्छा तो हम बात कर रहे थे बाइक्स की, आप बता रहे थे मुझे कि आपने जब वो बाइक खरीदा तो आप, अच्छा मुझे पहले तो ये बताएं कि क्या इस शौक से आप लोगों की फैमिली लाइफ सफर होती है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, फैमिली बहुत वो करती है जी, सपोर्टिव, बैलेंस करके चलना पड़ता है. आप टाइम स्लॉट्स होते हैं, ये एक आपका एक शौक है, इसका एक टाइम स्लॉट होता है, आपने काम भी करना है, फैमिली को भी टाइम देना है. तो ये तो नहीं है कि जैसे आपने अभी आते कहा कि जी वेले होते हैं सारा दिन, वेले की बात नहीं है. एक सर्टन टाइम रखा हुआ है कि यार ये करना है हमने, महीने में शायद दो दिन है, दो एक घंटे हैं, कुछ ऐसा इस तरीके से होता है. और एक हम प्लान करते हैं और बाकायदा एक लोकेशन डिफाइन करते हैं और उस लोकेशन को एक्सप्लोर करते हैं, तो इस तरीके से चलता है. और एक और चीज़ मैं चाहता हूँ कि जो आप दोनों के थ्रू लोगों तक पहुँचे, स्पेशली यंगस्टर्स को, कि अगर उनको बाइक का शौक है तो पूरा उसके साथ गियर जो होता है, यानी आपका हेड गियर हो, पूरा प्रॉपर हेलमेट हो एंड ऑल द पैड्स, उनको क्या कहते हैं वो आप बता दें थोड़ा. बहुत जरूरी है जी, ये बहुत जरूरी मैसेज है. मैं चाहता हूं कि यंगस्टर्स देख रहे हैं, यंगस्टर्स जो हैं वो इन्वेस्ट कर लेते हैं महंगी मशीन्स के ऊपर, लेकिन अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते. अपने ऊपर इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है. अगर आप अच्छा गियर नहीं लेंगे तो आपका यू नो अच्छी मशीन रखने का फायदा नहीं है. आप उसको इंजॉय तभी कर सकते हैं जब आपके पास गियर पूरा हो. ठीक है, हेलमेट जो है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अच्छा हेलमेट इज़ नॉट द ओनली थिंग, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें और हैं. आपको नी पैड्स पहनने हैं, एल्बो पैड्स पहनने हैं, आपको बैक प्रोटेक्शन पहननी है. पूरा गियर में जब तक आप नहीं होंगे तब तक आप उसको इंजॉय नहीं कर सकेंगे सही तरह से. सही सही सही, बहुत जरूरी है. ये जो हैवी मेटल म्यूज़िक होता है, ये रॉक म्यूज़िक, हैवी मेटल, डेथ मेटल, इसको हमेशा बाइकर्स के साथ एसोसिएट किया जाता है. अमूमन देखा जाए तो उनके जो कवर्स होते हैं एल्बम्स के, या उनके जो पेजेस होते हैं उनके ऊपर बाइकर्स होते हैं, और मोस्टली जितने भी हैवी मेटल के यू नो बैंड मेंबर्स होते हैं वो बाइकर्स भी होते हैं. तो ये क्या कंपैरिजन है, और ये इसकी क्या लॉजिक है? हार्ले डेविडसन, क्योंकि वो उसके साथ हार्ले जो है ना, हार्ले को थोड़ा सा जो उसका जो इम्प्रेशन जो दिया है ना, वो जरा डेविलिश टाइप का दिया है कि ये लोग माफिया वाले हैं, अच्छा गैंगस्टर टाइप हैं, या ऐसा वैसा है. वो बेसिकली यूएस में एक सर्टन क्लास है जो मतलब
वो इस तरह को अपने अपने को बताती है और वही एक बेंचमार्क बन गया है। आउटलॉज जो है, आउटलॉज है, वो है हार्ले डेविडसन के साथ आउटलॉज को जो है ना वो करते हैं कि वो तो उनका होता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वो करते हैं, बट इसमें अच्छे प्रोफेशनल लोग भी हैं। शौक तो कोई भी पूरा कर सकता है ना, शौक का तो कोई इशू नहीं है। मशीन है, मशीन पर बैठने वाला आदमी मतलब कोई भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। सही। आई थिंक आपके साथ जो आदिल भाई आए हैं, आदिल असरार साहब, आदिल साहब उनको भी बुला लें, उनको बुला लेते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि वो जो है वो सीनियर बाइकर हैं। और जी 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 माशाल्लाह सर, अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई, प्लीज बैठिए। कैसे हैं आप? खैरियत से? आप खैरियत से? कैसा लगा आपको मेरा ये शो और लाउंज, ये बाइक? जी शो तो आपका बहुत अच्छा है। तो बाइक मुझे पता नहीं किसकी है जी, पहचान तो क्योंकि काफ़ी सारे मालिक इधर बैठे हुए हैं इस बाइक की। मैं अब्दुल मालिक। मुझे ये बताइए कि ये शौक़ आपको कब से डेवलप हुआ, यानी किस एज से आपको ये शौक़ डेवलप हुआ? मैंने तो जी आई एम प्लस 50 नाउ, ठीक है, और जो पहली बाइक मैंने ली थी इट वॉज नॉट ए हैवी बाइक, छोटी सी होंडा 125 होती थी जो मैंने ली। छोटी सी 125, कई लोगों के लिए वो भी हैवी बाइक है उसे बाइक में। अच्छा तो नहीं उस वक्त वो भी हैवी लगती थी। अच्छा लेकिन अब वो ज़रा उस कैटेगरी में अब पता चला कि वो तो बहुत लो कैटेगरी। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये है कि बाइक इज़ एक्चुअली इट इज़ नॉट अबाउट बाइक ओनली, ये ब्रदरहुड होता है जी। ओके ये पूरा एक ग्रुप है जिसके साथ आप राइड करते हैं, उसके साथ आपकी एक फ्रीक्वेंसी मैच करती है और देन यू एंजॉय योर राइड। सही, यानी आप लोगों की कम्युनिटी है पूरी? जी इट इज़ माय कम्युनिटी और हमारे माशाल्लाह मोर देन 40 मेंबर्स हैं हमारे उसमें और डिफरेंट किस्म की बाइक्स हैं एंड एवरी मेंबर इज़ अ रिस्पॉन्सिबल राइडर। Nice. और मैं तो क्योंकि बीइंग ए सीनियर राइडर हम अपने यंग राइडर्स को यही कहते हैं कि जब भी आप राइड कर रहे हो तो अपना ना सोचें, अपनी फैमिली का सोचें। कितनी अच्छी बात है। और कितने सारे जो यंगस्टर्स हैं वो 14 अगस्त या इस तरह के ओकेजन्स के ऊपर रेस कर रहे होते हैं, व्हीलीज कर रहे होते हैं, उन्होंने कोई भी गियर नहीं पहना होता, उन्हें हेलमेट तक नहीं पहना होता, एंड कितने लोगों की डेथ्स होती है जी। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि बच्चे इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते कि खुदा ना खास्ता एक तो फैटलिटीज़ इस किस्म के जो वन व्हीलिंग वगैरह से बेतहाशा होती हैं, पुलिस अपनी जगह कोशिश कर रही होती है कंट्रोल करने की, लेकिन ऐसे 14 अगस्त टाइप इवेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बाइकर्स रोड्स के ऊपर आ जाते हैं तो उनको कंट्रोल करना पुलिस के पास की बात भी नहीं होती। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि एक तो खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, किसी की जान चली जाए तो पीछे जो उसके माँ बाप बहन भाई उनके लिए एक ज़्यादा तकलीफ़ दे चीज़ होती है। और फिर इस मोटर बाइक एक ऐसी चीज़ है कि अगर कोई ऐसी इंजरी हो गई जो कि इरिपेयरेबल हो तो वो एक राइडर के लिए ख़ुद एक बहुत बड़ा अलमिया होता है। सही। तो इसलिए इट यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल। सही सही। अच्छा यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है सिटी के अंदर और स्पेशली जो हम बात करें तो बाइकर्स के लिए, बिकॉज आई नो कि आप लोग जो बाइकर्स कम्युनिटी होती है वो बेसिकली तो ये सारी चीज़ों का बहुत तरीके से यू नो आप लोग ट्रैफिक का भी ध्यान रख रहे होते हैं, आप लोगों के टाइम अलग होते हैं जिसमें आप लोग यूजुअली निकल रहे होते हो या आपके ट्रैक्स भी अलग होते हैं, सो थोड़ा बहुत मसले मसाइल तो चलते रहते हैं, तो उसको आप किस तरह से हैंडल करते हैं, कोप अप करते हैं? इस्लामाबाद में जी एक्चुअली इस्लामाबाद इज़ ए कंपैरेटिवली बेटर सिटी, ठीक है, पुलिस जो है वो भी तमीज़दार है बाकी जगहों की निस्बत आई से ही, लेकिन हैवी बाइक्स के लिए देर आर सर्टन रेगुलेशन जो कि हम बाइकर्स की समझ से तकरीबन बाहर है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि एक सुजुकी वाला किस तरह गाड़ी को लेके उसके राइट्स सड़क के ऊपर जो है वो डिफरेंट कर दें और बड़ी गाड़ी वाले के राइट्स आप डिफरेंट कर दें। सेम इज़ द केस विद मोटर बाइक्स, जो एक छोटी मोटर बाइक के राइट्स हैं वही हैवी बाइक को राइट्स मिलने चाहिए और हमें रोका जाता है, नाकों पे रोक लेते हैं अक्सर। सही। कि जी आप हैवी बाइक चला रहे हैं, इस वक्त परमिशन नहीं है, रात को नॉर्मली 9-10 बजे के बाद इस्लामाबाद में राइड के ऊपर ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा सख्ती हो जाती है हैवी बाइक्स के, वो ज़रा थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पुलिस भी कुछ समझने लग गई है और अभी ज़्यादा इशू जो आ रहा है वो दैट इज़ ऑफ मोटरवे की,
कि हम हैवी बाइकर्स एक वी आर ट्राइंग टू सीक परमिशन गवर्नमेंट के जी मोटरवे के ऊपर हमें परमिट किया जाए कि दुनिया भर में मोटरवे के ऊपर चलती हैं हैवी बाइक ठीक है लेकिन हमारे यहाँ पे इसकी इजाज़त और उसकी एक लेन वो हो सकती है कि जो बाइकर्स की जी उसके प्रॉपर SOPs हैं वो हम फॉलो करने के लिए तैयार हैं जो भी उसके SOPs बनाए जाएंगे सही इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि कभी कोई प्रॉब्लम आती है ना तो उसको बंद करने के बजाय हमारे मुल्क में बंद कर देते हैं उसको सोल्यूशन उसको एक हाँ एक सोल्यूशन की तरह उसको उसके कायदे कवानीन बना के उसको चीज़ को चलाएं पूरी दुनिया में जब चलती है तो यहाँ भी चल सकती है मगर वो अल्टीमेटली करते क्या है उसको बंद कर देते हैं ये जो मैं एक दफ़ा फिर आपको बताऊँ कि जब मैंने ये बाइक लिया था ना तो एक्सक्यूज मी ये कब से इधर खड़ी हो तुम ये कब से इधर छुपी हुई हो मैं तो तुम से इधर में मेरी फैन है बहुत बहुत सारे फैंस हैं मेरे वैसे तो आप लोग शायद हैरान हो रहे होंगे लेकिन यू नो मेरे तो बहुत सारे फैंस हैं एक्चुअली मैं तेरे भाई निकलने का रास्ता नहीं समझ आ रहा था और ये इतने तीनों ड्रोन हैं मैं डर गई थी क्या उनकी बेल्ट को देख के उनकी हाइट्स को देख के वैसे जानदार लगता है जैसे पता नहीं क्या क्या उठा लेते हो हाँ ऐसे ही है ये बाइक भी उठा लेते हैं ऐसी बात नहीं है मैंने एक बाइकर को देखा था कि वो अपना हैवी बाइक उठा रहा था और ये बाकी होता है पॉसिबल होता है या ऐसे ही वो ड्रामे होते हैं हाँ इसको तो उठाना बहुत मुश्किल है मुश्किल है मैं ट्राई कर सकता हूँ मुझे बाहर जाने का रास्ता बाहर जाने का रास्ता जो है ये मुझे खुद भी नहीं पता एक्चुअली बहुत बड़ा ये एरिया है बट आगे जाओ ना किसी से पूछ लेना नहीं मैं घूम गई थी तभी तो मुझे छुपना पड़ा इनसे ऊपर से इनसे बिठाने का इतने बड़े बाइक के पीछे छुप गए तुम तो किसी गुलदान के पीछे छुप जाते हो आराम से खाने चले मैं आइसक्रीम प्लीज आइसक्रीम खाने का प्रॉमिस कर ले पिंकी प्रॉमिस कर ले फिर मैं चली जाऊंगी अच्छा कौन सी आइसक्रीम ये जो बाजार से मिलती है सस्ती वाली कौन हो तुम मतलब मैं कौन खाऊंगा गंदी मक्खी वाली गंदी आइसक्रीम यक मैं तो जी देखें सीधी सी बात है कि मैं अपनी हेल्थ को लेकर बड़ा कॉन्शियस रहता हूँ और होना भी चाहिए यू आर व्हाट यू ईट कहते हैं ना आप लोगों की भी डाइट अच्छी होती होगी बिकॉज ये बड़ा टफ एक काम है बाइकर्स का ये कोई आसान काम नहीं है एक बाइक को हैंडल करना और इतने देर तक उसको राइड करना तो आप लोगों की कोई खास डाइट होती है एक्सरसाइज होती है आप लोगों की या फिर अच्छा ऑन अ सीरियस नोट इसका होता है कि जब आप लंबे सफर पे होते हैं लाइक यू नो इफ यू डूइंग 100 प्लस किलोमीटर्स इन अ डे तो फिर यू हैव टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड हाइड्रेशन बड़ी ज़रूरी है सही क्योंकि इसमें मैं पता नहीं लग रहा होता और यू कीप गेटिंग डिहाइड्रेटेड उसमें हम तो अपने ग्रुप में सबको यही एडवाइस करते हैं कि जब भी आप जाएं तो पानी की बॉटल में ORS मिला के रख लें और अच्छा। थोड़ी देर बाद सिप लेते रहें क्योंकि यू गेट मैसिवली डिहाइड्रेटेड तो सही। अगर हाइड्रेशन लेवल आपका ठीक रहेगा तो स्टे फ्रेश और आप लंबा सफ़र जो है वो कर सकते हैं तो यही चीज़ है और कोई ऐसी खास नहीं खुराक का तो कुछ नहीं है लेकिन पानी बहुत ज़रूरी है पानी ज़रूरी है अच्छा और मुझे ये बताएं कि बल्कि आपसे पूछूंगा मैं सर आप मुझे ये बताइए कि आपने कभी कोई विंटेज बाइक को मॉडिफाई करवाया हो या उसको उसी की ओरिजिनल फॉर्म को रिफ्रेश करवाया हो आई डोंट नो कि आप लोग उसको क्या क्या टर्मिनोलॉजी है बाइकर्स जी मैंने तो कभी नहीं करवाया क्योंकि आई एम बिजी विद अदर थिंग्स आपको अच्छा ठीक है हमारे क्लब में जो हमारे ग्रुप के जो बाकी मेंबर्स हैं दे आर इनटू इट और वो जैसा आप आई वाज लिसनिंग टू यू अर्ली वो आप वेस्पा का जिक्र कर रहे थे तो हमारे एक ग्रुप के एक मेंबर हैं जो वेस्पा स्कूटर्स को बहुत अच्छे तरीके से रिवैम्प करते हैं और अच्छा। उन्होंने उसके साथ एक साइड कार भी ऐड की है एंड दैट इज़ एडेड एक हॉबी है हमारे मेंबर्स की वो पुरानी बाइक लेंगे उसको रिवैम्प करेंगे रिफर्बिश करेंगे और उसको रोडेबल कंडीशन में लेकर आते हैं सही बड़ा अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब कभी आपको किसी बंदे ने पहचान लिया हो बाहर आपने बाइक चला रहे हो और किसी ने पहचान लिया हो ये तो डेंटिस्ट है हमारे पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अब वो शौक में होते हैं कि यार कहाँ एक डेंटिस्ट और कहाँ एक बाइक का शौक दो एक्सट्रीम्स हैं ऐसा होता है कभी? ऐसा ही अब इधर आपके स्टूडियो में भी हुआ है आपने क्या काम शुरू कर दिया वो उसके लिए हमने इंतज़ाम रखा हुआ ना फिर पूछे वो
ये जो है ना इसको मुँह छुपा के निकलते मास्क पहन लेते ताकि मुँह छुपा रहे और अच्छा वो हेलमेट यूजुअली कवर कर लेता है तो सही हाँ सही 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 नाइस 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 इसका गियर आप पहन ले तो आप नज़र तो नहीं आते दिखते तो नहीं है क्योंकि हेलमेट भी पूरा होता है फुल सूट होता है यस और इसकी जो सेफ्टी है वो स्टार्ट इधर से होती है पाँव से होती है सर तक होती है हाथ उंगलियाँ जितने भी आपके ये हैं घुटना और ये सब चीज़ें कवर होती हैं जो प्रॉपर तरीका है वो उसका यही है और गर्मियों में तो बहुत गर्मियों में मुश्किल है ये शौक गर्मियों में टफ होता है अगर आप सेफ्टी मेजर्स के साथ और ये सारी चीज़ें सारा प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं तो गर्मी में टफ हो जाता है लकीली आती है ऐसा गियर होता है जो वेंटिलेटेड होता है अच्छा तो हाँ उसमें हवा का इंतज़ाम होता है लेकिन इसकी इंजन की हीट इतनी होती है कि वो आपको जो है ना बॉदर कर रही होती है गर्मी में चलाना बहुत मुश्किल होता है स्पेशली पाकिस्तान की गर्मी में इसलिए कोशिश करते हैं कि हम या तो शाम में करें या रात में ट्रेवल करें सलाम करता हूँ उधर बेर बैठे हैं सिद्धी से बंदे आए बैठे हैं जिनकी जमीनों के पैसे आपने देने थे वो तो बंदूक के तुम्हें पता नहीं बलोची कितने गुस्से वाले बंदे मेरे दोस्त आए हुए उनकी जाने देखो ऐसी नहीं नहीं जाने जाने कर देंगे ये जो तुम्हारा बंगला शंगला है नहीं ये सारा उड़ा के रख देंगे वो तो बड़ा गुस्से में आए बंदूकें शंदूकें लाचे सिब्बी से आ गए वो सारे अब सारे सिब्बी से टिब्बी आए हैं टिब्बी से भाई एयर ट्रेन पे यहाँ पे पहुंच गए हैं सारे सिब्बी से टिब्बी और टिब्बी से इधर इधर सारे पहुंचे बैठे हैं तुम्हारा ये बंगला शंगला सारा उड़ा दिए यार तुम्हारी मैंने तुम्हें ये मेरे इस काबिल बनाया तुम जाके इससे लड़ो बचा कर आया हूं मेरी बंदूक शंदूक तो सारी उन्होंने मेरे से खो ली है मैं गार्ड आया हूं तुम्हारे पास मेरे गार्ड्स के गार्ड शार्ट तो सारे कब्जा करके बैठे हैं तुम्हारे गार्ड वो जो बंदूकें लेकर पकड़े बैठे थे वो सारे उनके साथ हमें नदीम भाई की मोटरसाइकिल की फिक्र मैं इसको बोल रहा हूँ उठो ना मारा तुम उठो यहाँ से जल्दी उठो बंदूकें शंदूकें किधर है तुम अपनी वो वाकई आ गए मैं तुमको बोल रहा हूँ टीपी से घबराए हुए लग नहीं रहे मुझे मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ अब मैं तुम्हें रो के दिखाऊं मैडम मैं भी हमें बलोची बंदा हूँ मुझे गुस्सा आ गया तो फिर उड़ा दूंगा पकड़ के उनको हमें बंदा शंदा मरवाना है तुमने मैडम चलो अब आप लशारी को लड़ता हुआ देखेंगे बुलाओ मैं कहता हूँ चलो अब यहाँ से मैं तो रुको मैडम मैं आ रहा हूँ आप लोग तो जाएं और उसके बाद फिर हम बात करते हैं आप लोग इधर ही रहेंगे और अब आप मुझे लड़ता हुआ देखेंगे और बुलाओ जरा उनको यार आप जाते जाते कोई बात कहना चाहेंगे थैंक यू वेरी मच कोई 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 भी कोई नसीहत या कोई अपनी बाइकिंग के हवाले से बाइकर्स कम्युनिटी के हवाले से कोई पैगाम देना चाहें या कोई स्पेशल बात करना चाहें जी बाइकर्स के सबको एक पैगाम है एनीवन चाहे आप 70cc के ऊपर हैं या आप 2000cc बाइक के ऊपर हैं हमेशा राइड रिस्पॉन्सिबली राइड सेफली ये सबसे इम्पोर्टेंट है बहुत अच्छी बात है सिर्फ अपना ना सोचिए अपने घर वालों का अपने माँ बाप बहन भाई बीवी बच्चों का जब आप राइड कर रहे हैं उन सब का भी सोचिए सही आप तो वैसे लड़ने जा रहे हैं नहीं मैं आप अभी आप मुझे देखेंगे पूरा टाइम ही निकलेगा मैं इस बाइक को स्टार्ट करके निकल जाऊंगा नहीं तो आपने मेरी हेल्प नहीं करती आप लोगों ने हेल्प करेंगे ना चलती हुई बाइक पे मैं जो कहेंगे करता हुआ चला जाऊंगा चले फिर एक काम करना मुझे भी ले जाना फिर कहीं ड्रॉप कर देना किसी सेफ जगह डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे आप थैंक यू वेरी मच जी थैंक यू फॉर बहुत शुक्रिया बहुत थैंक यू वेरी मच गाइस अभी आप बैठिए अभी एकदम से उठ गए आप रुक जाए अभी उनको आने तो दें मैं जरा उनके साथ जरा दो दो चार चार हाथ करूंगा उसके बाद फिर उनको बताऊंगा कि लशारी साहब हैं कौन आप लोग जो है वो अगले हफ्ते तक इंतज़ार करें अगर आपने लशारी से मिलना है और लशारी के घर में आना है तो आप इंतज़ार करेंगे अब जाते जाते बाइक एक दफ़ा फिर दिखा दूं तो मेरा जो बाइक है ना वो बेसिकली मैं एक दफ़ा फिर दिखा देता हूं आपको ये बहुत स्टार्ट कर रहा है आपने नहीं मैं मुझे पता है स्टार्ट कहाँ से होता है आपको लग रहा है कि मुझे पता नहीं है कि मैं हेल्प करा देता हूँ मुझे मालूम है आपको पता करा दें करा दें करा दें हेल्प करा दें नहीं हेल्प की वैसे जरूरत तो नहीं है लेकिन चले आप कर लें यार बाइक स्टार्ट लशारी साहब अगला प्रोग्राम जो आप करेंगे अपने इस विला से करेंगे या हॉस्पिटल के कमरे से करेंगे नहीं सर मैं अपने विला बिकॉज आई एम विला तो मैं अपने विला से ही करूँगा ओ हो अच्छा सच्ची मुची कह नाइस नाइस नाइस
हाँ कर ले। नाइस। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए और जाते जाते मैं कहूंगा कि अगले हफ्ते तक मुझे इजाजत दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।